पाटन के नृत्य गोपाल मंदिर में रंगपंचमी पर फूलों की होली खेली गई। यह परंपरा वर्षों से चली आ रही है। रंगपंचमी पर यहां शास्त्रीय संगीत, होली गीतों का कार्यक्रम भी आयोजित होता है, साथ ही भगवान नृत्य गोपाल के साथ फूलों की होली खेली जाती है। शनिवार रात को आयोजित इस कार्यक्रम में फूलों की होली खेली गई। भगवान नृत्य गोपाल के सामने सभी ने एक दूसरे के ऊपर फूल बरसाए। इस दौरान पाटन नगर परिषद अध्यक्ष आचार्य जोगेन्द्र सिंह, उदयभान सिंह, बलराम यादव, कृष्ण शेखर सिंह सहित जन प्रतिनिधियों ने भी होली गीतों पर नृत्य किया और एक दूसरे के ऊपर फूल बरसाए। कार्यक्रम के आयोजक रणधीर सिंह ठाकुर का कहना है, परंपरा लंबे समय से चली आ रही है। भगवान के सामने फूलों की होली खेलना अपने आप में अद्भुत है और उन्हें गौरव है कि पाटन के लोग इस परंपरा को बनाए हुए हैं। उनके दरबार में एक परंपरा जो विकसित हुई है, रंग पंचमी के दिन भगवान के साथ होली खेलने की, भक्तजन प्रतिवर्ष रंग पंचमी पर बड़े उत्साह उमंग के साथ भक्ति रस के संगीत के बीच और फूलों की होली खेलते हैं। और हमें बड़ा गौरव है कि तहसील के कोने कोने से हमारे गणमान्य जन, सामान्य जन इसमें सम्मिलित होकर और पूरा आनंद उठाते हैं। वास्तव में मंदिर उत्सवों से ही उनकी जीवंतता बनती है और जब मंदिर में निरंतर उत्साह के साथ पर्व आयोजित होते हैं, लोग इकट्ठे होते हैं, तभी उसके वास्तविक स्थापना उद्देश्य का और स्वरूप सामने आता है। और हम निश्चित रूप से अपने श्री नृत्य गोपाल मंदिर पाटन के लोक न्यास को इस मामले में भगवान की कृपा मानते हैं कि हमारा न्यास जो है वह छोटा सा न्यास है, लेकिन हम पूरे वर्ष भर उत्सवों के माध्यम से और मंदिर में जीवंतता बनाए रखते हैं और इसी कारण हमारे भगवान की, हमारे मंदिर की और पहचान दूर दूर तक बनी हुई है। प्रभु हम सब पे ये कृपा बनाए रखे जो यहाँ सम्मिलित हुए हैं, जो आए हैं, उनके मन में भक्ति के भाव, उत्साह और उमंग और उनके जीवन में आनंद बिखरे और वे आनंद में डूब करके अपनी श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान के चरणों में आते रहें। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आप सबको पुनः पुनः रंग पंचमी की हार्दिक हार्दिक बधाइयाँ, हार्दिक हार्दिक और स्वादुवाद देता हूँ। जय जय श्री राम। बोलो बोलो बोलो। विगत 20-25 वर्षों से फूलों की होली इस प्रांगण में मनाई जा रही है और बड़े उत्साह और उमंग भरे वातावरण में यहाँ होली होती है। और इस वर्ष तो विशेष था, इस वर्ष रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हुए तो सबका उत्साह है इस वर्ष बहुत अधिक है। हर जगह इसी प्रकार का उत्साह दिखाई दे रहा है। हम सभी धर्मावलंबियों को बार बार साधुवाद और शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं इस मंदिर की ओर से, विश्व हिंदू परिषद की ओर से, कि ये उत्साह लगातार बना रहे। आगामी जो नौ वर्ष आएगा उसमें रामनवमी का उत्सव भी कुछ इसी प्रकार से आपको भव्यता के साथ देखने मिलेगा। जय श्री राम। जबलपुर से आशीष पात्रे की रिपोर्ट।